रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। नाउ वी विल रीड शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस ऑफ क्लास 4 कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्वेश्चन आंसर आपके हैं किस टाइप के। तो सिंपल क्वेश्चंस हैं जिसमें आपने कंप्यूटर को डिफ़ाइन करना है। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है डिफाइन कंप्यूटर, दूसरा राइट द नेम ऑफ सम प्लेसेस वेयर कंप्यूटर इज़ यूज्ड, तीसरे में हमारी टर्म्स यूज़ हुई हैं जिनको हमने डिफाइन करना है, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट डाटा एंड इंफॉर्मेशन। और क्वेश्चन नंबर 4 है राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड कंप्यूटर, मैन एंड कंप्यूटर के दरमियान कोई से 3 डिफरेंस जो है वो हमने करने हैं। तो इनके जो क्वेश्चन के आंसर हैं वो आपके चैप्टर नंबर 1 में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कैन डू फास्ट एंड करेक्ट कैलकुलेशंस इन एडिशन टू मैनी अदर वर्क्स। द वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ से अ कंप्यूटर से लेके टू कैलकुलेट तक करना है आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आप कंप्यूटर को कौन कौन सी जगहों पर इस्तेमाल करते हो। तो कंप्यूटर को हम मैनी ऐसी जगह हैं जहाँ पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो हैं। कंप्यूटर्स आर यूज इन वराइटी ऑफ प्लेसेज लाइक स्कूल्स, ऑफिस, शॉप्स एंड रेलवे स्टेशन, अपार्ट फ्राम मैनी अदर प्लेसेज टू कैरी आउट एन इन्यूमरेबल नंबर ऑफ फंक्शंस। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कंप्यूटर से लेके फंक्शंस तक है। आगे हमने जो टर्म्स थी उनको डिफाइन करना है। सबसे पहली टर्म है ए इनपुट, इसकी हमने डेफिनेशन करनी है। इनपुट मीन्स टेक्स इंस्ट्रक्शंस फ्राम यू, इट मीन्स टाइपिंग डाटा इन टू कंप्यूटर थ्रू कीबोर्ड। इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक आपने डेफिनेशन कर लेनी है। आगे बी पार्ट है प्रोसेसिंग, व्हाट इज़ प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग मीन सॉल्व द प्रॉब्लम, यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट है व्हाट इज़ आउटपुट, आउटपुट मीन्स गिव्स यू द रिजल्ट, यहाँ तक आप लोगों ने कर लेना है। उसके बाद व्हाट इज़ डाटा, डाटा मीन्स रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने कर लेना है डी पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 का। आगे लास्ट है जो हमने टर्म डिफाइन कर दी वो है इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इज़ ए प्रोसेस्ड डाटा। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें सिर्फ जो हमारे पास लिखने वाले पॉइंट्स हैं वो 3 हैं कि आपने डिफरेंस करना है मैन एंड कंप्यूटर के दरमियान। और वो हैं मैन में कैन वर्क स्लोली, कंप्यूटर वर्क्स फास्ट, मैन जो है स्लोली वर्क करता है और कंप्यूटर जो है फास्टली वर्क करता है। मैन कैन इमेजिन एंड थिंक, मैन सोच भी सकता है और इमेजिन भी कर सकता है बट कंप्यूटर कैन नॉट इमेजिन एंड थिंक। मैन गेट्स टायर्ड बट कंप्यूटर डज नॉट गेट्स टायर्ड। ओके, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 इंशाल्लाह शुरू करेंगे।